हाय ऑल, लास्ट सेशन में हमने देखा कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हम क्यों यूज करते हैं टेबल क्रिएट करने के टाइम, और कांस्टेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। सारे टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे लेकिन डिफरेंट सेशंस में। आज हम डिस्कस करेंगे नट नॉल कांस्टेंट। पूरा वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। द नट नॉल कांस्टेंट एनफोर्सेस अ कॉलम टू नॉट एक्सेप्ट नल वैल्यूज। ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि कहता है एक कॉलम को या फिर मेनी कॉलम्स को कि वो एक्सेप्ट ना करे कोई भी नल वैल्यू। मतलब कि जो फील्ड है वो मैंडेटरी फील्ड है, आपको भरना है, कोई भी वैल्यू आपको देना है, लेकिन वो भी डेटा टाइप के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आई डी, यहाँ पे अगर हम इसको नॉट नल कॉन्स्टेंट करके डिफाइन किए होंगे टेबल क्रिएशन के टाइम, तब ये एक ही कॉलम होगा जहाँ पे हम नल वैल्यू नहीं भर सकते। मतलब कोई भी नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट करेगा ये कॉलम, आपको कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ेगा, वो भी इंटीजर वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा जो है नंबर न्यूमरिक डेटा टाइप है। सो न्यूमरिक डेटा टाइप है तो यहाँ पे कोई न्यूमरिक डेटा टाइप वैल्यू आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी, यहाँ पे आपका नल वैल्यू सेट हो सकता है। लेकिन एम्प्लॉय आईडी अगर हमने डिफाइन किया हुआ है नॉट नल, तो ये कोई भी नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, यहाँ पे कोई ना कोई मैंडेटरी वैल्यू डालना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं टाइटल, लास्ट नेम, फोर नेम, इन सब में एक रेड कलर का सिंबल है। ये कहता है कि मैंडेटरी फील्ड्स। मैंडेटरी फील्ड्स का मतलब है यहाँ पे कोई भी नल वैल्यू नहीं होगा, यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई स्ट्रिंग वैल्यू, जैसे लास्ट नेम, फोर नेम, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा, तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू आपको डालना पड़ेगा, जैसे लास्ट नेम, फोन नेम। एड्रेस में आप देख सकते हैं वो रेड कलर का सिंबल नहीं है, इसका मतलब एड्रेस जो है नल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू ना डाले तो भी चलेगा। तो हम अब नॉट नल कॉन्स्टेंट लेके एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अगेन क्रिएट टेबल, एम्प्लॉय जो आपका टेबल का नेम है, और आप फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर एम्प्लॉय आईडी, इंट, फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट है नॉट नल, इंट हमारा डेटा टाइप है। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम है आपका फील्ड का या फिर कॉलम का नेम, फिर उसके बाद वैर का जो कि आपका है डेटा टाइप, और उसका दिया गया है रेंज यहाँ पे, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कांस्टेंट, फिर सैलरी, फ्लोट डेटा टाइप, फिर नॉट नल कांस्टेंट। तो फिर सिटी आप देख सकते हैं, सिटी कार डेटा टाइप का रेंज है 100। तो आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी नॉट नल होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम नॉट नल है, सैलरी भी नॉट नल है, मतलब कि यहाँ पे ये तीनों जो है मैंडेटरी फील्ड्स है, मैंडेटरी फील्ड्स है, आपको भरना ही पड़ेगा इन सारे फील्ड्स में। आप ये तीन फील्ड्स जो है खाली नहीं रख सकते, नल नहीं रख सकते। और जो सिटी है यहाँ पे कोई भी वैल्यू नल हो सकता है, मतलब कि यहाँ पे कोई वैल्यू ना दे तो भी चलेगा। तो अभी हम MySQL Workbench में नॉट नल कॉन्स्टेंट यूज करके एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हम देंगे एम्प्लॉई वन, क्योंकि डेटाबेस कस्टमर जो है उसमें एम्प्लॉय टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम एक ब्रैकेट यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट, फिर यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय नेम, सॉरी आईडी पहले, और इसको हम इंट रख देंगे इसका डेटा टाइप, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा कॉन्स्टेंट नट नल। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का दिखा रहा है पूरा कमांड, इसका मतलब ये सही कमांड नहीं है, हम गैप दे देते हैं, ये सही कमांड है क्योंकि ये ब्लू कलर का दिखा रहा है। अब तो कॉमा दे देते हैं, फिर एम्प्लॉय नेम, फिर वहां पे हम वैर कर उसका डिफाइन करेंगे एज डेटा टाइप, उसका एक रेंज दे देंगे 255, फिर ये भी हम नट नल लिख देंगे इसका कॉन्स्टेंट, फिर कॉमा देंगे, फिर हम लिखेंगे सैलरी, सैलरी जो होगा वो हम रखेंगे एज फ्लोट उसका डेटा टाइप, और फ्लोट डेटा टाइप के बाद इसको भी नॉट नल कांस्टेंट डिफाइन करेंगे, ये फील्ड भी नॉट नल कांस्टेंट होगा। और फिर सिटी, सिटी में हम नल वैल्यूज अलाउ करेंगे, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे डेटा टाइप ही डिफाइन करेंगे।
तो ये हो गया आपका कैरेक्टर एज अ डेटा टाइप, देन 100 इसका रेंज। फिर हम नीचे जाएंगे और कॉमा जो हमारा ब्रैकेट है उसे क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन देंगे। तो हमारा ये जो कमांड है वो सही है क्योंकि यहाँ पे ब्लू कलर का सिंबल दिखा रहा है। तो इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में कि ये टेबल एम्प्लॉई वन जो है वो क्रिएट हो चुका है। और इसको इस टेबल को देखने के लिए आप यहाँ पे चूज कीजिए और देख लीजिए कि ये टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। हाँ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी एंड सिटी, ये 4 फील्ड्स है इसमें। तो आपको देखना है कि क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है। आप यहाँ पे एक सिंबल है सेटिंग का, वहां पे जाइए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका टेबल का नेम ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, दैट इज टेबल नेम इज एम्प्लॉय वन। फिर यहाँ पे कॉलम नेम्स है सारे, एम्प्लॉय आईडी जो जिसका डेटा टाइप है इंट और जिसका कॉन्स्टेंट है नॉट नॉल। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉय नेम, वेर कैर उसका डेटा टाइप, नॉट नॉल कॉन्स्टेंट, सैलरी जो है फ्लोट है उसका डेटा टाइप एंड नॉट नॉल कॉन्स्टेंट है इसका। और यहाँ पे आप सिटी है और ये इसका डेटा टाइप है कार एंड इसका नल है एज ए, कोई भी कांस्टेंट नहीं है इसलिए नल इसका डिफॉल्ट एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं ऐसे। तो ऐसे आप अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करेंगे तो आपका कोई नो चेंजेस डिटेक्टेड हुआ है। अभी हम एम्प्लॉय वन टेबल में इंसर्ट करेंगे डेटा। तो इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एम्प्लॉय वन टेबल को डिफाइन किए हुए हैं और उसमें जो कॉलम्स है वो डिफाइन किया गया है और वैल्यूज एंटर किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी का कोई भी वैल्यू एंटर नहीं हुआ है और यहाँ पे सेमी कॉलम दे दीजिए, फिर इसको एग्जीक्यूट कीजिए। आप देखिएगा कि एरर आएगा, एरर ये आएगा कि जो कॉलम और रो का जो काउंट है वो सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हमने कोई भी नॉट नॉल कॉन्स्टेंट डिफाइन नहीं किया था सिटी कॉलम में, इसलिए यहाँ पे हम नल लिख देंगे उसका वैल्यू और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। देखते हैं कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं हमारा रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो गया है और यहाँ पे आपको नल दिखा रहा है सिटी कॉलम में। अभी हम एम्प्लॉय नेम कॉलम में इंसर्ट करेंगे नल वैल्यू और चेक करेंगे कि वो एंटर करवाता है कि नहीं नल वैल्यू, क्योंकि वहां पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि ये नॉट नल कॉन्स्टेंट है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे। यहाँ पे हम दे देंगे सिटी का कुछ नाम, मुंबई, एंड यहाँ पे हम उसको क्लोज्ड कोट्स में रख देंगे और यहाँ पे हम नल वैल्यू डिफाइन कर देंगे एम्प्लॉय नेम कॉलम में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नल, नल कीवर्ड यहाँ पे डिफाइन हो गया एंड अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि ये इंसर्ट होता है कि नहीं वैल्यू। यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि जो कॉलम एम्प्लॉय नेम है कैन नॉट बी नल। तो यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय नेम कॉलम है वो नल नहीं हो सकता, यू हैव टू एंटर अ वैल्यू। तो ये जो टेबल में हम इंसर्ट करना चाहते थे जो रिकॉर्ड्स, वो इंसर्ट इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने नल वैल्यू एंटर किया हुआ है एम्प्लॉय नेम में, जो कि नॉट नॉल कॉन्स्टेंट डिफाइन किया गया है। अगर हमने नॉट नॉल कॉन्स्टेंट डिफाइन नहीं किया है कोई भी कॉलम में तो उसको डिफाइन कर सकते हैं टेबल क्रिएशन के बाद में भी। तो हम यूज करेंगे अल्टर कमांड, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, मॉडिफाई कॉलम कमांड देंगे, फिर सिटी जिसमें हमने नॉट नॉल कॉन्स्टेंट नहीं डिफाइन किया गया था और वहां पे लिख देंगे हमारा डेटा टाइप नेक्स्ट, फिर नॉट नॉल कॉन्स्टेंट और सेमी कॉलम देके क्लोज कर देंगे उस कमांड को। तो ऐसे हम अल्टर टेबल यूज करके कॉलम में एंटर कर सकते हैं ना एक कांस्टेंट। सो आप जानते हैं कि सिटी कॉलम में कोई भी कांस्टेंट डिफाइन नहीं किया गया है, तो हम अभी अल्टर स्टेटमेंट यूज करके डिफाइन करेंगे सिटी कॉलम में एक कांस्टेंट, दैट इज नॉट नॉल कांस्टेंट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टर टेबल एम्प्लॉय वन है, फिर हम लिखेंगे मॉडिफाई, मॉडिफाई कॉलम, फिर कॉलम का नाम दे देते हैं सिटी, देन डेटा टाइप उसका डेटा टाइप देंगे, डेटा टाइप इज हम देंगे कार जो कि पहले ही डिफाइन किया गया था कार, एंड उसको 100 हम रेंज दे देंगे और यहाँ पे नॉट नॉल कॉन्स्टेंट डिफाइन कर देंगे और यहाँ पे हम सेमी कॉलन दे देते हैं और इस स्टेटमेंट को क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक एरर आएगा। ये एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एम्प्लॉय वन टेबल में आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी एक नल वैल्यू एंटर किया गया था। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं नल वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे एंटर्ड है, तो इसीलिए वहां पे इनवैलिड यूज ऑफ नल वैल्यू लिख दिखा रहा है। अगर हम इसको इस रो को डिलीट कर देंगे और फिर से अल्टर करने की कोशिश करेंगे इस टेबल को, जब फिर जाके ये सही होगा। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो रो था जिसमें सिटी कॉलम में नल वैल्यू था वो ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। तो अभी हम अल्टर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। अभी देखते हैं एग्जीक्यूट करके, तो ये एग्जीक्यूट हो गया है। तो हम अभी यहाँ पे एक सेटिंग का जो सिंबल है वहां पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिटी
कॉलम में हमारा जो नॉट नल कांस्टेंट हमने डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन में कोई भी नल कांस्टेंट नहीं है। तो आपको कैसे डिलीट करना है रो, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।